अच्छा जी, ये क्वेश्चन मेरे पास है कि एट व्हाट रेट 5000 डबल इन 5 ईयर्स, कि कौन सा रेट होगा जिसमें आपका 5000 जो है डबल हो जाएगा 5 सालों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखें, अगर मेरी प्रिंसिपल 5000 होगी, प्रिंसिपल मतलब है प्रिंसिपल भी 5000 हो और मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी 5000 हो। देखें ना, गौर से देखें, क्योंकि मैंने डबल करवा दी ना, तो अगर प्रिंसिपल भी 5000 हो तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा क्या होगा, वो भी 5000 होगा। अब उसने आपको टाइम पीरियड बता दिया कितना, वो उसने बताया है कि 5 ईयर्स। क्या चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास उसने दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना आपने, तो वो आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। देखिए, उसने सिर्फ आपको एक ही चीज़ में बताई है, 5000, ये किसने हिंट दे दिया डबल, इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट अगर डबल 5000 है तो मेरी सिंपल इंटरेस्ट भी 5000, यानी डबल बढ़ा के कितना हो गया, 10000 हो गया। कितना, 5 साल में। क्या चीज़ नहीं है, फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। फार्मूला आपका वही लगेगा, ठीक है, फार्मूला आपका वही लगेगा, वो कोई चेंज नहीं करना आपने, सिर्फ क्वेश्चन की डायरेक्शन थोड़ी सी बहुत चेंज हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, वो 5000 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है वो भी 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं है लेकिन टाइम पीरियड उसने आपको दिया हुआ है। क्लियर हो गया? असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5000 को आप इधर रहेंगे, रेट आई को यहाँ रहेंगे। अब ये आपके पास दो वैल्यूज, 5000 के नीचे चला जाएगा और 5 भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि आई यहाँ हो जाएगा, ये दो नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अब मैं इसको काटूंगा 5 5 से, तो मेरे पास 1/5 आ जाएगा। याद रखिए, जब भी हमें रेट फाइंड करना होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका परसेंटेज देते हैं। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 20% होगा, जिससे आपका डबल हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये हो गया ज़रा हल्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। अमाउंट चेंज हो सकती है, 10000 लिखते हैं लेकिन करना आपके इस तरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा आपने परसेंटेज लेनी है, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज का निशान लगाया, याद तक क्लियर हो गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।